हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे हु हैज़ सीक्रेटली क्रश ऑन यू एंड व्हाई। कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है, कौन सीक्रेटली आप किसका क्रश हो सीक्रेटली, ठीक है, और क्यों, ठीक है। आज हम ये देखने वाले हैं। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड आप लोग पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए मेरे इंस्टा को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज मेरा इंस्टा एंड ईमेल आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेक इट आउट, वहाँ पर पोस्ट जो है वो लगाई गई हुई है, आप उनको चेक कर लीजिए। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कम्युनिटी में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए, और मुझे इंस्टा को ज़रूर फॉलो मेरे करिए, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर मैं वहाँ पे लाइव रीडिंग्स स्टार्ट करूँ, फ्री लाइव रीडिंग्स। ओके, बिकॉज बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इंडिया वाले स्पेशली, बिकॉज उनकी रीडिंग्स हैं ओपन नहीं है, ओनली अब्रॉड इंडियंस जो हैं वो अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन करूं इंस्टा पे, तो मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पे कम्युनिटी बनेगी, देन ही मैं लाइव आऊँगी ना, आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो। चलिए, पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। देखते हैं हु हैज सीक्रेटली क्रश ऑन यू। पहले देखेंगे हु इज दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन, फिर देखेंगे क्यों उसको आप पे क्रश है, क्यों सीक्रेटली आपको क्रश रखता है वो। Who is this person? Who is this person? So we have Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have the Emperor. Oh my goodness! This is a sugar daddy. 34 age हो सकती है इनकी, 43 age हो सकती है, 3-4 number important हो सकता है. Then we have the Fool. Oh. एक चीज़ तो गाइज यहाँ पे क्लियर है, एंड बॉटम ऑफ द रखा है थ्री ऑफ कप्स। दिस इज डेफिनेटली, दिस इज द पर्सन हु इज इन योर फ्रेंड लिस्ट। ये आपकी फ्रेंड लिस्ट से पर्सन है गाइज। 33 एज हो सकती है, 33 मास्टर नंबर किसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, इस पर्सन का स्टार साइन एरिस, बहुत स्पेसिफिक स्टार साइन मुझे दिख रहे हैं, एरिस, एक्वेरियस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इस पर्सन की अपनी एज 30, 33, 34, 43, 40, कुछ भी एज हो सकती है, बिकॉज रीडिंग जो है वो ऑल एज ग्रुप के लिए ओपन है, ऑल जेंडर एंड कुछ भी एज है, सब के लिए ओपन है, ठीक है। सो कौन है ये पर्सन? डेफिनेटली दिस इज द पर्सन जिनके साथ आपका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। या तो आप ब्लॉक लिस्ट में हो, आप इनकी ब्लॉक लिस्ट में हो, ये आपकी ब्लॉक लिस्ट में है। अदरवाइज आई फील लाइक कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी दिख रही है, विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड एंड थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, आपका फ्रेंड भी है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं मैरिड भी हो सकते हैं, बट स्टिल आपकी आपके वो फ्रेंड थे लेकिन उन्होंने कहीं और शादी कर ली, बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। दिस इज़ अ फादर फिगर। या आपका हो सकता है इनके साथ कुछ लोगों का फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन था, बट अभी आपके दरमियान कोई बातचीत नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, पेनफुल सिचुएशन, और ये आपको पसंद करते हैं बिकॉज द एम्परर की एनर्जी है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं भी है तो भी स्टिल आपको पसंद करता है, अगर मैरिड है भी तो भी पसंद करता है, क्रश है इस पर्सन का, आप क्रश हो गाइस। द फूल आपका डिस्टेंस है, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड एंड द फूल, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड देम, ठीक है, लेकिन ये आपको लेके काफी ऑनेस्ट है। एक चीज यहाँ पे कंफर्म है, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू टेक अ रिस्क, रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो लाइट, जो शाइन, जो हैप्पीनेस आप इनको देते थे वो अब इसकी लाइफ में कहीं मिसिंग है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांट्स यूनियन। डेफिनेटली दिस इज द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ये पर्सन कौन है, आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है,
यस, जिनके साथ आपका फ्रेंड भी बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन था, ये पर्सन वो भी हो सकता है। अदरवाइज ये वो पर्सन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट अभी आपके साथ ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ये पेन में है क्योंकि जो आपको मिस कर रहा है ये पर्सन, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू रिटर्निंग बैक, ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में और वापस आना चाहते हैं बिकॉज ये आपको पसंद करते हैं। इनको लगता है जो स्पार्क आपके साथ लाइफ का था वो नहीं है, मिसिंग है वो चीज़, डेफिनेटली दैट्स वाई ये आपको चाह रहे हैं, आप पसंद करते हैं ये। शायद आपका काफ़ी ज़्यादा आप फन करते थे, आप काफ़ी ज़्यादा यू नो बहुत ही पार्टी लवर, बहुत ही ज़्यादा आप क्या बोल रहे हैं मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा यहाँ पे, अब बहुत ही लाइक लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले पर्सन थे बट वो सेलिब्रेशन अब इसकी लाइफ से मिसिंग है। देन वी हैव द हेड ऑफ एंड, डेफिनेटली दिस इज द पर्सन हु इज ऑलरेडी मैरिड, अदरवाइज हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिया बिकॉज आपके दरमियान कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंसेस था, सोसाइटी बैकग्राउंड का स्टेटस का कुछ ऐसा डिफरेंस था, दैट्स वाई, बट अभी ये मिस कर रहे हैं आपको, अपनी मैरिज में होते हुए भी मिस कर रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप आपके साथ जो टाइम गुजारा है उसको मिस कर रहा है ये पर्सन। अगर ये पर्सन किसी मैरिज में नहीं है और आपका वैसे ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली यूनियन करना चाह रहे हैं आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की हो सकता है काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक एंग्री बर्ड टाइप ये पर्सन हो सकता है, बट एवर मेल फीमेल कोई हाई पोजीशन में हो सकते हैं, हाई अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा हो सकता है इस पर्सन का, कि ये काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की एक अप्रोच है या फिर काफ़ी एक इनका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई है, हाई पोजीशन हाई पोस्ट गवर्नमेंट जॉब मुझे दिख रही है यहाँ पर हो सकती है इस पर्सन की, किसी तरह से गाइडर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है इस पर्सन का अपनी फैमिली में या फिर अपनी सोसाइटी में काफ़ी नेम है, काफ़ी फेम है और ये काफ़ी लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, काफ़ी पहचानते हैं इस पर्सन को, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं इस पर्सन की, ये आपको चाहता है डेफिनेटली। अब देख लेते हैं क्यों आप पे क्रश है, इनको सीक्रेटली क्रश क्यों रखते हैं ये, वैसे अभी तो मुझे समझ आ चुकी है लेकिन मैं फिर भी क्लियर करूँगी, मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन मुझे समझ आ चुकी है, देखते हैं क्या है। बट यहाँ पे इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ना किसी तरह से इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको पेन दी है, आपको काफ़ी तकलीफ दी है। या नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 35 45। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एस ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पेज ऑफ वॉन्ट्स, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू गाइस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, हमारे पास दो पेजेस आ चुके हैं, इट मीन्स दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू सेंड यू अ मैसेज, आपको मैसेज सेंड करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं किसी तरह से, मुझे लगता है ये पर्सन दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू फ्लर्ट विद यू, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं बिकॉज हो सकता है किसी तरह से, या तो मुझे लगता है गाइज ये पर्सन ना 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे आपके लिए 77 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना पॉलिटिक्स कोई ट्रिक यूज़ करके कोई माइंड गेम चला के आप लोगों को अप्रोच करेगा, आपको मैसेज करेगा, हो सकता है किसी तरह के डिफरेंट नंबर से या फिर कोई फेक आईडी से भी आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहता है। अदरवाइज ये क्यों आपको सीक्रेट क्रश रखते हैं, कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी पैशनेट हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है इनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, और आपके में से कुछ लोगों के सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये जो इंसान है ये 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड आपको शायद चीट करके चले गया था, ठीक है, या फिर आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ठीक है, चीट इसने किया, किसी और को चूज़ कर लिया, रिलेशनशिप की कमिटमेंट नहीं दी, इट मीन्स ये पर्सन सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो अभी ये आपको शायद क्लैरिटी देने आना चाह रहे हैं कि इसने आपको क्यों गोस्ट किया, क्यों आपको आपके साथ चीटिंग की, क्यों इस पर्सन ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, ट्रिक्स खेली, माइंड गेम्स खेली, उस चीज़ को लेकर ही आपको क्लैरिटी देंगे, किसी तरह से आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी इसकी तरफ से, बिकॉज अभी तक दिख रहा है ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। यस, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दैट्स वाई
दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम विद अ फ्रेंडशिप ऑफर, और आपको मैसेज सेंड करेंगे, क्योंकि ये आपको क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ है. शायद हो सकता है अभी इस पोजिशन में नहीं है कि आपसे कोई कनेक्शन सीरियस बना सकें, सो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अभी फ्रेंडशिप से ही काम चलेगा. अदरवाइज द डेविल की एनर्जी, इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, इनको एडिक्शन हो रही है. दिस पर्सन इज वेरी पोजेसिव, यस, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, आपकी एडिक्शन हो रही है, नहीं दूर रह पा रहा है, दैट्स वाई आपसे बात करना चाह रहे हैं. इनको आपसे बात करने की एक एडिक्शन लग गई हुई है गाइस, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इनसे बात करते थे, तो ये वो बात करना चाह रहे हैं. यस, काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है. दिस पर्सन रियली वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू गाइस, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अब चीज़ें जो है ना इस पर्सन से नहीं हो पा रही हैंडल, दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करें और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. यस, द डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन हो रही है इस पर्सन को, और शायद हो सकता है अगर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया था, और ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी की सुनी, अपनी फैमिली की सुनी, कुछ भी सुना, तो ये मुझे लगता है शायद वो चीज़ें आपको क्लैरिफाई करेंगे कि इन्होंने किसके कहने पर आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया, या किसके कहने पर आपको कमिटमेंट नहीं थी, वो चीज़ क्लैरिफाई करेगा ये पर्सन, क्योंकि ये काफ़ी पोजेसिव हो रहा है. इसको पोजेशन है, एक जुनून है आपका, आपसे बात करने की मुझे लगता है इस पर्सन को आदत हो चुकी हुई है, तो वो ख़त्म नहीं कर पा रहा है. कैप्रिकॉर्न स्टार साइन हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरिस लियो सैजिटेरियस. 31 एज हो सकती है, 41, 37, 47, नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 36, 46 एज हो सकती है. कुछ लोगों की 50 प्लस भी दिख रही है, बट अब आप लोग देख लें आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है. अदरवाइज 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 77 नंबर, 15, 6, 5 आपके लिए, 33 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यस, या अगेन 3 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये आना चाहता है. मुझे लगता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस है और ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही, कम्युनिकेशन करना चाहता है, और ये पर्सन जो है ना वेट कर रहा है कम्युनिकेशन करने का. 20 प्लस एज भी हो सकती है, 23, 27, 24, 25, 26, ये वेट कर रहा है गाइस. मुझे लगता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी किसी तरह से है आपका इनके साथ, शायद ये हो सकता है किसी तरह से अब्रॉड मूव कर गए थे. कुछ लोगों का हो सकता है आपका सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही इनसे बात होती थी, और ये आप दोबारा से शायद आप ब्लॉक हो चुके हो, और आप ये अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे. अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ इनको काफ़ी पेन दे रही है, और वो चाह रहे हैं किस तरह से रिस्क लेके आपसे बात कर लें, किसी भी तरह से, कोई फेक आईडी से, फेक अकाउंट से, बिकॉज एनर्जी है यहाँ पे, ये प्लेयर की एनर्जी है इस पर्सन की, पहले माइंड गेम्स खेली हैं, उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों किया है. और अगर इन्होंने माइंड गेम्स कोई नहीं खेली, सिंपली आपको स्ट्रेट बोल के कनेक्शन ख़त्म किया है, या आपके साथ फ्रेंडशिप ख़त्म किया है, तो ये आप फाइनली वो चीज़ आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट आपको नंबर से, डिफरेंट आईडी से कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपसे बात करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है. यस, कुछ लोग हो सकता है आपसे फ्रेंडशिप बना के फ्लर्ट करना भी शुरू कर दें, क्योंकि इनको पोजेशन हो रहा है, फिजिकल सेक्चुअली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, आपको चाहता है बहुत ज़्यादा. फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है पास्ट में आपका रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और हो सकता है आप लिविंग में भी रहे हो कुछ लोगों अपने इस पर्सन के साथ, अदरवाइज अगर नहीं रहे तो ये रहना चाहता है, इनकाउंटर करना चाहता है. Yeah. So this is your reading collection and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.